विनिंग गोल्ड मेडल इन मेन जेवलिन इवेंट इन टोक्यो ओलम्पिक्स नीरज चोपड़ा हैज एफ फेदर इन कैप टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की भाला फिक्स स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर नीरज चोपड़ा ने एक अहम उपलब्धि प्राप्त की विनिंग गोल्ड मेडल इन मेन जेवलिन इवेंट इन टोक्यो ओलंपिक्स नीरज चोपड़ा हैज एफ फेदर इन कैप टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर नीरज चोपड़ा ने एक अहम उपलब्धि प्राप्त की फॉर एन 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 एक्टर गेटिंग फिल्म फ्रॉम प्रोड्यूसर इज कंसीडर्ड एज फेदर इन कैप एक उभरते हुए अभिनेता के लिए एक स्थापित निर्माता से एक महत्वपूर्ण फिल्म प्राप्त करना विशेष उपलब्धि मानी जाती है फॉर एन इमर्जिंग एक्टर गेटिंग एन इम्पॉर्टेंट फिल्म फ्रॉम एन एस्टैब्लिश प्रोड्यूसर इज कंसीडर्ड एज ए कैप एक उभरते हुए अभिनेता के लिए एक स्थापित निर्माता से एक महत्वपूर्ण फिल्म प्राप्त करना विशेष उपलब्धि मानी जाती है नेक्स्ट सिक्योरिंग इन इन कैडर यूपीएससी एग्जाम बाई एन एवरेज स्टूडेंट इज फेदर इन ए कैप एक औसत छात्र द्वारा यूपीएससी परीक्षा में आई एस संवर्ग में स्थान प्राप्त करना एक बड़ी उपलब्धि है सिक्योरिंग अ बर्क इन आई एस कैडर In UPSC exam, by an average student is feather in a cap. एक औसत छात्र द्वारा UPSC परीक्षा में आईएस संबंध में स्थान प्राप्त करना एक बड़ी उपलब्धि है। Next, it is a feather in a cap for a physically challenged person to get a top stage in the competition with normal human beings. शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति के लिए सामान्य मनुष्य के साथ प्रतिस्पर्धा में शीर्ष स्थान प्राप्त करना एक महान उपलब्धि है इट इज अ फेदर इन ए कैप फॉर ए फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन टू गेट ए टॉप स्टेज इन द कंपटीशन विद नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति के लिए सामान्य मनुष्य के साथ प्रतिस्पर्धा में शीर्ष स्थान प्राप्त करना एक महान उपलब्धि है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के द्वारा वर्ल्ड कप में विजय प्राप्त करना एक महान उपलब्धि है वर्ल्ड कप बाय इंडियंस वुमेन्स क्रिकेट टीम इज ए फेदर इन भारतीय महिला क्रिकेट टीम के द्वारा वर्ल्ड कप में विजय प्राप्त करना एक महान उपलब्धि है आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को भी दबाएं। और अगर इस प्रकार के नए वीडियो देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को जरूर दबाएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें